लंदन में राहुल गांधी ऐसा क्या बोल आए कि मोदी और योगी एक साथ हुए आग बबूला। लंदन में भगवान बसवेश्वर लोकतंत्र की मजबूत नींव का प्रतीक अनुभव मंडपम, वो भगवान बसवेश्वर लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। G20 जैसे देशों का नेतृत्व आज भारत कर रहा है आजादी के अमृत महोत्सव अमृत काल के अंदर, ये भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। और इसलिए जब हम सब आज प्रत्येक शक्ति केंद्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के सही भाषण को वाचन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तब हमारे सामने बातें सामने स्पष्ट होती हैं। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत का, भारत के गौरव काम की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वही लोग हैं, ये लोकतंत्र की दुहाई वे लोग दे रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र के गले को दबाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। दुनिया में जाते हैं भारत की बुराई करते हैं, भारत में आते हैं तो केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे और दिल्ली में आएंगे तो केरल की बुराई करेंगे। ये इन लोगों की फितरत है, इसलिए इन चेहरों को देखने की आवश्यकता है। ये लोग देश की संसदीय परंपराओं को, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं और उसके माध्यम से फिर उसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो उन्हें खानदानी विरासत मिली है। बांटो और राज करो, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, तमाम अन्य वादों के आधार पर समाज को विभाजित करने की उनकी मानसिकता, ये विभाजन की और देश को ले जाने के जो कुत्सित प्रयास हैं, उनकी इन किसी भी उस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है।